अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में पेयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने जैस कैश जैसी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट के जरिए पेयर अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या पेयर अकाउंट का विड्रॉल अपने जैस कैश जैसी पैसा या बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने पाकिस्तान में पेयर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले आपने payeer.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आपने यहाँ पर ईमेल डालना है, जिस ईमेल पर आप payeer अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो ईमेल आपने यहाँ पर डालने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो ईमेल आपने दिया होगा उस पर इनकी तरफ से कोड सेंड किया जाएगा। तो आपने जस्ट क्या करना है कि अपने जीमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पेयर से आपका कोड आया, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कोड है, आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वेबसाइट पर दोबारा से वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पर कोड पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट करके आपने नीचे क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जाएगा आपने पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में डाला होगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और उसको यहाँ पर कैंसिल कर देना है, क्योंकि जो पासवर्ड है वो आपने खुद डालना है। तो पासवर्ड दोस्तों आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, जिसमें आपने इंग्लिश की वर्ड्स भी यूज करने हैं, मैथ्स की वर्ड्स भी यूज करने हैं और अल्फाबेटिक वर्ड्स भी यूज करने हैं। पर जो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे वही आपने यहां पर डाल देना है। उसके बाद जो सीक्रेट कोड है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सीक्रेट कोड दोस्तों उस टाइम आपके काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको आपका सीक्रेट कोड याद आएगा। तो सीक्रेट कोड आप खुद भी डाल सकते हैं, जैसे कि यानी कि 786786 डाल दें या 381381 डाल दें, आपकी मर्जी, आपने डाल देना है। आपने ये याद रखना है, अगर आप ये दोनों पासवर्ड भूल गए तो आप इसको यानी कि इसके जरिए इन दोनों को रिकवर कर सकेंगे। उसका जो अकाउंट नंबर है ये आपने वही रहने देना है। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपना नेम डालना है। अब नेम दोस्तों आप अपना फुल भी नेम भी डाल सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया, यानी कि अपना नेम ही लिखा ना वैसे मैंने। तो यहां पर मैंने जुनेद खान अपना नेम लिख दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। अब कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री में क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप यहां पर कोशिश करेंगे तो यहां पर मैं नीचे की तरफ आता हूं और आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पर LMNOP की तरफ आते हैं, तो यहां पर दोस्तों पी आ गया। देखो यहां पर दोस्तों जो पी है ना उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने डन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों जो कंट्री है ना ये आपसे उस टाइम मांगी जाती है जब आपने एक दिन के $1,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करनी हो। अब दोस्तों मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि मैं अपना अकाउंट यूज कर रहा हूं और बहुत अरसे से यूज कर रहा हूं, मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप इसको यूज करते हैं, आपकी एक दिन की ट्रांजैक्शन $1,000 से कम की है, तो आप इसको बगैर किसी डर के यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी क्या चीज ज्यादा यूज की जाती है। तो यहां पर मैं नीचे की तरफ आता हूं, तो ऊपर की तरफ आपके यहां पर अकाउंट नंबर दिया जा रहा है। ये वाला दोस्तों आपका अकाउंट नंबर है। आपने कहीं से पैसे मंगवाने हैं, कहीं सेंड करने हैं, तो आपका ये अकाउंट नंबर ही काम आता है। यानी कि आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं ना, तो अगला जो बंदा है वो पैसे सेंड करते हुए आपका ये वाला अकाउंट नंबर डालेगा, तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे यहां पर डॉलर्स में। अगर आपने सेंड करना है तो आपने यहां पर सेंड पर क्लिक करने के बाद उसका अकाउंट नंबर डालना है और अमाउंट डालनी है, और उतने ही पैसे आपके अकाउंट से कटकर उसके अकाउंट में चले जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपने जैस कैश या जी पैसा अकाउंट के जरिए पेयर में डिपॉजिट कर सकते हैं और पेयर अकाउंट का विड्रॉल अपने जैस कैश या जी पैसा अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपने अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर दोस्तों आपने एक चीज सर्च करनी है जिसका नाम है जुनेद, उसके बाद खान 05, जो मेरे चैनल का नाम है, आपने क्रोम ब्राउजर के अंदर सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे पहले नंबर पर तो मेरा चैनल आ जाएगा, लेकिन सेकंड नंबर पर एक मेरी एक वेबसाइट है, ये मेरी ही वेबसाइट है। आपने इस पर चले जाना junaidkhan05.com पर। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट में एंटर होने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आएंगे। आपने ऊपर यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च का एक ऑप्शन नजर आता है, इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है payeer. उसके बाद आपने सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारी पॉजिटिव आ जाएंगे, आपने यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों अगर आप डिपॉजिट करने का तरीका जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने जैस कैश या जी पैसा अकाउंट से अपने पेयर अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आपने इस पोस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पोस्ट के अंदर देखें, जैसे मैसेज में बात करते हैं मैंने वैसे समझाया है स्क्रीन शॉट्स के साथ हर चीज़ के, आप किस तरह से A to Z जैस कैश या इजी पैसा अकाउंट से अपने यानी कि पेयर अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट्स को फॉलो करके आसानी के साथ आपके पैसे सेंड कर सकेंगे। और अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके जो नीचे वाली पोस्ट है बैक जाकर वो निचली पोस्ट आप क्लिक करेंगे इस पर, तो इसके अंदर मैंने उर्दू के अंदर आपको बताया है स्क्रीनशॉट्स के साथ, आप इन दोनों पोस्ट को देखकर डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं।